सद्गुरु परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामतः। अर्जुन ने कहा प्रभु तुम्हारे अनन्य भक्त जो सदा तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं और आपके स्वरूप चिंतन की पूजा करते हैं और जो योगी अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं और निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ भाव से भजते हैं इन दोनों में कौन है जो योग को ठीक प्रकार से जानता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा जो लोग भक्ति पूर्वक मेरे ही ध्यान और पूजन में लगे हैं वे योगियों में मुझे अतिशय मान्य हैं। श्रद्धा और भक्ति से युक्त भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। कृष्ण ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा इसका अर्थ ये नहीं है कि योगी मुझे प्रिय नहीं है। जो पुरुष इंद्रियों को वश में करते मन और बुद्धि से भी परे सर्वव्यापी अचिंतनीय अकथनीय एक रस नित्य अचल निराकार अक्षर सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में मुझे भजते हैं जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। वे समान भाव से सब में मुझको ही देखते हैं तब मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी रवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तुपासते। श्री कृष्ण ने आगे कहा हे अर्जुन वे भक्त जो निराकार ब्रह्म में लगे हुए चित्त वाले हैं वे आसक्ति के कारण अपने साधनों में अधिक परिश्रम करते हैं और दुख पाते हैं क्लेश पाते हैं क्योंकि उन्हें देह का अभिमान रहता है। अतः अव्यक्त विषयों के कारण वे दुखपूर्वक अपनी गति प्राप्त करते हैं परंतु जो मेरे पारायण होकर मुझ में लगकर भजन करते हैं वे संपूर्ण रूप से मुझे ही समर्पित होकर अनन्य भाव से भजन करते हैं वे सरलता से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तेषाम् अहम् समुद्धर्ताम् मृत्यु संसागर सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन अनन्य भाव से मुझको भजने वाले मनुष्य का मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ इसमें कुछ विलंब नहीं करता। मुझ में जिनका मन लगा हुआ है मुझ में ही बुद्धि लगी हुई है वे मुझ में रहते हैं ऐसा करने पर तू भी मुझ में ही निवास करेगा इसमें संशय नहीं है। अत चित्तम समाधातुम नाशकनोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया अभ्यासेप्य समर्थोसि यत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।
हे अर्जुन, मुझ में अचल चित्त लगाना इतना सहज भी नहीं है। यदि तू ये करने में समर्थ नहीं है तो हे धनंजय, अभ्यास करके योग प्राप्त कर और निरंतर मुझको प्राप्त करने की इच्छा करता रहे। यदि हे अर्जुन, अभ्यास करने में भी तू असमर्थ रहता है तो सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, तुझे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करने की सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अथे तदप्य शक्तोषि कर्तुम उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मान श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानं ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हे अर्जुन, योग सहज नहीं है, अतः तू योग से भी सिद्धि प्राप्त करने में यदि समर्थ नहीं है तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सभी कर्मों के फल का परित्याग कर दे, तुझे सिद्धि अवश्य मिलेगी। अभ्यास से उसका ज्ञान और ज्ञान से ध्यान विशिष्ट रूप से अधिक कल्याणकारी है। ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान से शांति तत्काल ही प्राप्त होती है और शांति चित्त में मेरी स्थिति रहती ही है। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखाक्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितं मनो बुद्धिर् यो मद भक्ता समे प्रियः। जो भक्त समस्त सचराचर में द्वेष रहित स्वार्थ रहित होकर सबके प्रेमी और सबका कल्याण करने की सोचते हैं किंतु किसी से संपर्क अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, जो ये मेरा है मान का अधिकार नहीं जमाते, जिनमें अहंकार भी नहीं होता, सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं, जिनकी प्रवृत्ति क्षमाशील है, वे योगी संतुष्ट होकर इंद्रियों और शरीर के बस में किए हुए तथा मुझ में सतत निरत रहते हैं, ऐसा मुझ में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करने वाला भक्त मुझे अतीव प्रिय है। यस्मानोद विजते लोको लोकादनो विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यासा च मे प्रियः अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। हे अर्जुन, जब किसी भी वस्तु से व्यक्ति उद्वेग के आवेश में नहीं आता और न किसी जीव से उद्वेग प्राप्त करता है तथा जो हर्ष और दूसरे की उन्नति देखकर दुख नहीं प्राप्त करता, जो वास्तव में भय उद्वेग रहित है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति किसी से अपेक्षा नहीं रखता और बाहर भीतर सब प्रकार से शुद्ध रहता है, निपुण होते हुए भी पक्षपात रहित है, जिसे किसी प्रकार की व्यथा नहीं है तथा जिसने सारे कर्मों का आरंभ ही छोड़ दिया है, वो भी मेरा प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति ना तो कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं करता, जो शुभ कर्म और अशुभ कर्मों का परित्याग कर चुका है, वो भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान और अपमान को समान भाव से देखता है, वैसे ही सर्दी गर्मी सुख दुख में समभाव से रहता है, जिसे किसी में आसक्ति नहीं है, ऐसे भक्त मुझे परम प्रिय हैं।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केचित् अनिकेता स्थिर मतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्ता तेतीव मे प्रियाः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति निंदा स्तुति को समान समझता है न निंदा से दुखी न स्तुति से सुखी होता है, किसी भी दशा में कुछ भी मिलने से संतुष्ट रहता है और साथ में उसमें न ममता है न आसक्ति, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे अति प्रिय है। हे पार्थ, जो श्रद्धा भरा मनुष्य केवल मेरा परायण होकर इस उक्त अमृत धर्म को सप्रेम निष्काम भाव से पीता है वो भक्त मुझे अतीव ही प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः।